नमस्कार साथियों, वर्तमान के जज्जर से बहादुरगढ़ मार्ग पर एक विशेष सेक्टर परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। बहादुरगढ़ के अक्षेत्र में लगभग 75.64 एकड़ एरिया को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा 476 नए प्लॉट्स के साथ डेवलप करने का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना को 31/3/2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और लगभग कुल योजना पर 3,480.33 लाख रुपए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सरकार के बजट से खर्च करके नए सेक्टरों की डेवलपमेंट को लेकर और नए प्लॉट्स के उपलब्धता को लेकर निकालने का भी कार्य करने वाला है। नमस्कार साथियों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बहादुरगढ़ के अक्षेत्र में एक नए सेक्टर को बनाने का कार्य करने वाला है। ये नया सेक्टर बहादुरगढ़ के शहरी एरिया से टच होने वाला है और इस सेक्टर के अंदर नई प्लॉटिंग का कार्य भी किया जाने वाला है। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP ने एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी लेने का भी कार्य किया है। यह मंजूरी हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मानकों के अनुसार और डेवलपमेंट मास्टर प्लान परियोजना 2031 और 41 बहादुरगढ़ के अनुसार लेने का कार्य किया गया है। बहादुरगढ़ के अक्षेत्र में सेक्टर 1 के पार्ट ए को बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट साइट्स के माध्यम से अपलोड करने का कार्य भी किया जा चुका है। यह प्रोजेक्ट 31/3/2025 तक बनाने का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा के अलग अलग जिलों में अलग अलग डेवलप्ड होने वाले शहरों के अंदर अपने खुद के सेक्टर्स डेवलप करने का काम करता है। उसी प्रकार बहादुरगढ़ में सेक्टर 1 का पार्ट 1 डेवलप किया जा रहा है, जहां पर कुल प्लॉटेड कॉलोनी यानी कि कुल सेक्टर का जो एरिया होगा, जिसमें से कुछ सेक्टर का एरिया पहले से बना है, जहां पर पहले से लोग रह रहे हैं, उस एरिया को भी इसमें कनेक्ट रखा गया है, जिसमें कुल प्लॉटेड कॉलोनी 75.64 एकड़ यानी कि 75.64 एकड़ एरिया में सेक्टर 1 के पार्ट 1 को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा, जिसकी कॉपी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये अप्रूवल की कॉपी है जो इन फ्यूचर सेक्टर 1 पार्ट ए बहादुरगढ़ के डेवलपमेंट प्लान को लेकर है, जिसके लिए आपको कुल एरिया 75.64 एकड़ रहने वाला है। इस एरिया में को भी अलग अलग प्रकार से यूज किया जाएगा। जिस एरिया में ग्रीन बेल्ट्स के लिए 1.88 एकड़ का एरिया और प्लांड एरिया के लिए 73.76 एकड़ का एरिया भी रहने वाला है। शॉपिंग सेंटर के लिए 33.09 एकड़ का एरिया और अंडर शॉपिंग सेंटर के लिए 3.75 एकड़ एरिया सेक्टर 1 पार्ट ए बहादुरगढ़ में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टीट्यूट यानी कि पढ़ाई के लिए जो साइट्स होती हैं उनके लिए 1.71 एकड़ का एरिया रखा गया है और ग्रुप हाउसिंग साइट के लिए भी 1.20 एकड़ का एरिया रखा गया है। यहाँ पर अंडर पॉलिसी पुलिस पोस्ट के लिए 0.43 एकड़, प्राइमरी स्कूल 2 बनाए जाएंगे जिनके लिए 1 एकड़ का एरिया रखा गया है। यहाँ पर क्रच और नर्सरी स्कूल के लिए 0.60 एकड़ का एरिया, धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 2 बढ़ाए जाएंगे जिनके लिए 0.67 एकड़ का एरिया, NH4 क्लिनिक 3 बढ़ाए जाएंगे जिनके लिए 0.66 एकड़ का एरिया रखा गया है, कम्युनिटी सेंटर के लिए 2.15 एकड़ का एरिया और रोड पार्क ओपन स्पेस और पार्किंग के लिए 28.50 एकड़ का एरिया रखा गया है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 1 के पार्ट ए के अंदर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो बचा हुआ एरिया है, जो डेवलपमेंट प्लान से थोड़ा हट के है, उसमें 476 प्लॉट्स निकालने का कार्य करने वाला है। ये प्लॉट अलग अलग साइज के रहने वाले हैं। बहादुरगढ़ सेक्टर 1 पार्ट ए के अंदर 15x30 m के 131 प्लॉट, 13.5x24.0 m का 111 प्लॉट, 10.5x21 m के 111 प्लॉट, 9.00x18 m के 36 प्लॉट, 7.50x18 m के 20 प्लॉट, 6.0x15 m के 22 प्लॉट, यानी कि कुल 476 प्लॉट्स को डेवलप करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। ये 476 प्लॉट्स 33.09 एकड़ एरिया में डेवलप किए जाएंगे।
जज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर एक विशेष परियोजना के तहत ही है पूरा का पूरा काम किया जा रहा है और जज्जर से बहादुरगढ़ मार्ग और जज्जर से बादली मार्ग के मध्य के रोड के बीच में इस सेक्टर की डेवलपमेंट का कार्य होगा। यहां पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 31/3/25 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्य करेगा और इस कुल परियोजना पर खर्च 3,480.33 एकड़ का आने वाला है, जिसके लिए आपको सामने स्क्रीन पर इसका लेआउट प्लान दिखाई दे रहा होगा। लेआउट प्लान आप देख सकते हैं, लेआउट प्लान नीचे शो हो रहे चीज़ों के माध्यम से हमारे हमसे संपर्क करके भी ले सकते हैं। नंबर 2 आपको लाइसेंस प्रति शो हो रही होगी, नंबर 3 शपथ पत्र शो हो रहा होगा, नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर साइट की प्रति शो हो रही होगी, नंबर 5 लेआउट प्लान आपको दिखाई दे रहा होगा और नंबर 6 हरेरा से अप्रूवल का प्लान भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बहादुरगढ़ के क्षेत्र में नए सेक्टर की डेवलपमेंट का काम करने वाला है और जल्द ही लोगों के लिए नए प्लॉट्स उपलब्ध करवाने का भी कार्य करने वाला है।